वेलकम बैक दोस्त, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम डायरेक्टरी कमांड्स के अंदर ls कमांड के बारे में जानने वाले हैं। ls कमांड का फुल फॉर्म होता है, ज़्यादातर लिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। जब भी आपको कभी भी किसी डायरेक्टरी की लिस्ट निकालनी होती है तब हम वहाँ पर ls कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी डायरेक्टरी में अगर आपको लिस्ट देखना है कि वो डायरेक्टरी की लिस्ट क्या होगी, इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरियाँ होंगी, तो उनको देखने के लिए हम ls का यूज़ करते हैं। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉलर का साइन बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर ls जैसे ही टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, यहाँ पर कुछ डायरेक्टरीज हमको यहाँ पर दिखेंगी। ये सभी हैं डायरेक्टरीज। लिनक्स में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टरी होती हैं और डायरेक्ट की कुछ सब डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टरीज हैं, एक प्रकार से फोल्डर्स आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ये सब मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी देख रही हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, एक मेरे पास जैसे कि यहाँ पर रूट डायरेक्टरी, रूट जैसे टाइप करता हूँ, रूट के अंदर फिर मैं ls लगाता हूँ, तो अभी मैं रूट के अंदर हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये मैं क्या रूट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं रूट के अंदर हूँ स्लैश। ठीक है, तो ls जैसे ही लगाता हूँ कमांड, यहाँ पर रूट के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको ls कमांड टाइप करने पर आ जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।